शांति, हमारे पास सिद्धार्थ शुक्ला भाई जी आए हैं जो टेलीविजन एक्टर, फिल्म एक्टर हैं। आप सभी बालिका बधु, दिल से दिल तक इत्यादि में लीड रोल कर चुके हैं। सीरियल खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 के विनर रह चुके हैं। फर्स्ट एशियन विन बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड 2005 में उन्होंने लिया है। माता जी रीटा बहन शुक्ला जी हर रोज बाबा की मुरली सुनते हैं, तो वो दादी जी से मिलने आए हैं और आप सभी से भी मिलने आए हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं संस्था से बहुत नया जुड़ा हूँ। मेरी जो माता जी हैं वो 2 साल से हैं योग में, और जो ज्ञान उन्होंने पाया है उससे थोड़ा बहुत मैं भी पा रहा हूँ। ये मेरा पहली बार है जब मैं यहाँ पर आया हूँ, और जब मैं यहाँ आया तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पर आकर, लेकिन जब मैं आया तो जो प्यार, जो अपनापन और जो पीस यहाँ पे था वो मैंने कहीं और महसूस नहीं किया है। एंड मेडिटेशन करने की कोशिश करता हूँ मैं, पर इतना जल्दी और अच्छे से मेरा ध्यान नहीं लगता। पर मैं एक डॉक्टर सचिन हैं जिनसे मैंने बात की, और उन्होंने मुझे बताया कि आप कोशिश ना करें सिर्फ ध्यान लगाने की, क्योंकि वो अपने आप लग जाता है। आप सिर्फ यहाँ के साइलेंस को महसूस कीजिए, और यहाँ का साइलेंस आपको बहुत प्रेरणा देता है। और वेरी ऑनेस्टली मैंने भी वही किया, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इतनी महान आत्माएं यहाँ पर हैं, रह चुकी हैं, और उन्होंने यहाँ योग किया है। तो आप जब उनके इर्द गिर्द या यहाँ पे रहते हैं तो आपका तो वैसे ही उद्धार होना है। और दादी के साथ मैं दादी जी से कल मिला पहली बार। और एक और चीज़ मैं इस संस्था के बारे में बताना चाहूँगा जो आप लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, कि मैं पहले बहुत सी संस्थाओं में गया हूँ, और बहुत से मंदिरों में गया हूँ, और भगवान को ढूंढने की कोशिश की है। पर जब मैं यहाँ आया तो एक चीज़ जो यहाँ पे जो बाकी सारी जगहों से बहुत अलग है वो है, यहाँ के जितने भी बड़े लोग हैं, जो दादियाँ हैं, जो प्रवक्ता हैं बड़े बड़े, उन सब से आप इतनी आसानी से मिल सकते हैं, और वो सब आपसे इतने प्यार से बात करते हैं, इतने अपनापन से बात करते हैं, जो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। क्योंकि हर जगह उन तक पहुंचना थोड़ा टफ हो जाता है, या वो कभी मिलेंगे, समय देंगे नहीं देंगे, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ एक जगह एक ऐसी है जहाँ पे आप खुलेआम जाके मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, और वो सब आपसे जब बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ठीक है 2 मिनट में आप बात करिए, चलिए आगे जाइए, किसी और को बात करनी है। वो आपसे एकदम अच्छे से प्यार से बात करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हैं, और आपको वो बताना चाहते हैं कुछ तो अपनी एक्सपीरियंसेस, विच इज फिनोमिनल। सो हाँ, थैंक यू। दादी जी, और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ कि दादी जी आप डांस बहुत अच्छा करती हैं। भोलेनाथ का भंडारा है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर, है भरपूर। आओ भर लो झोलिया, भरपूर है, 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 भरपूर है,
चलते चलते